हर अजियत की एक यानी मदद होती है, जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। ये जो कहते हैं ना कि पीछे मुड़ मुड़ कर माजी को नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, ताकि अपने औकात ना भूले, ये याद रहे कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। जो अपनी औकात भूल जाते हैं वो आधे रस्तों में ही खो जाते हैं। कतरा कतरा बचा लिया इसने, अपने ख्वाबों को खा लिया इसने, बांध कर अपने पेट पर पत्थर एक बेटा पढ़ा लिया इसने। ख्याल आता है तहजीब की यतीमी पर, खुदा अरूज ना बख्शे कभी कमीनों को। सबर का सलीका नहीं क्या रब, मेरा दिल अपनी रजा में राजी कर दे। लोगों का जर्फ इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी की खामी को अपने अंदर छुपा सके। हम दुनिया के इस तौर से ताल्लुक रखते हैं जहाँ लोगों को हमारी तकलीफ से बस इतनी सी देर की वाबस्तगी होती है, जब तक इन्हें वक्त गुजारी का दूसरा कोई समाना नहीं मिलता। और आखिर में हम होते हैं हमारी तकलीफ और अल्लाह। बुलाई करते रहें बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे और मेरी बसीरत में नूर हो और मेरे नफ्स में नूर हो और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है, ये मरे हुओं को रोता है और जिंदा को रुलाता है। इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफत शुरू करता है। जिसे बुराई करने में खराबी नज़र ना आए उसके पास नेकी करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये पैसा भी क्या चीज़ है, अमीर आदमी गुनाहों में फंसा हुआ हो तो हज कर लेता है और जराइम में फंसे तो जज कर लेता है। कोशिश किया करें किसी से ज़्यादा गुफ्तगु ना किया करें। हाँ अगर करना चाहें तो इतना लाजमी अंदाज़ा लगा लिया करें कि सामने वाला आपकी बात सुनने में दिलचस्पी रखता है या नहीं। ऐसी जगहों पर खामोशी बेहतर होती है जहाँ आपके अल्फाज की वक्त ना हो। कम ज़र्फ़ को जब अपने सर पर बैठाओगे तो वो अपनी औकात भूल जाता है। हर वो शख्स जिसके इख्तियार में किसी की खुशी और सुकून हो फ्रॉन बन जाता है और ख़ुद को खुदा समझने लगता है। तुम यकीन रखो, अंधा यकीन रखो, क्योंकि तुम्हारा यकीन इस रब पर है, वो यकीन नहीं तोड़ता। वो तुम्हारी तड़प तुम्हारे आंसू ज़ाया नहीं जाने देगा। वो तुम्हें वो देगा जिस पर तुम जिंदा हो, एक कुन की आस लिए बैठे हो। बहुत जल्द कुन होने वाला है, तुम अल्हम्दुलिल्लाह का फिर चूमते हुए करने वाले हो। बहुत जल्द सब बदलने वाला है। मैंने ये सीखा है कि जब तक मैं हर एक की बात को दिल से लगाता रहूँगा तब तक आप अजियत में रहोगे। किसी दूसरे इंसान को सिर्फ अल्फाज से हमारा सुकून छीनने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐ आयशा तुम मिस्कीन को खाली हाथ मत लुटा दे, कुछ ना हो तो खजूर का एक टुकड़ा ही दे दे। ऐ आयशा तुम मिस्कीनों से मोहब्बत कर और इनको अपने कुर्ब में जगा दे तो अल्लाह पाक तुझको क़यामत के दिन अपना कुर्ब अता फरमाएगा। या अल्लाह पाक मुझे इन लोगों के शर से बचा जो बज़ाहरे तो मेरे हमदर्द हैं लेकिन पोशीदा तौर पर मुझे नुकसान और तकलीफ पहुँचाने के दर पे हैं। औलाद की गलत तरबियत का ताना हमेशा माँ को दिया जाता है, जबकि तरबियत किसी एक फर्द की कोशिश और जिम्मेदारी नहीं होती। घर का माहौल, अफराद का रहन सहन, घर के दूसरे अफराद की शख्सियात, गुफ्तगु और करदार भी असरअंदाज होते हैं। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियाँ भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं और ज़िंदगी का सबसे तरीक पहलू यही है। चार दिन सिगरेट पी के कहते हैं कि आदत हो गई, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत हो गई, लेकिन काश रमज़ान का पूरा महीना नमाज पढ़कर भी कोई कहे कि हमें नमाज की आदत हो गई है। नफरत के पार होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी से फैलती है। मोहब्बत और शफ़क़त के पांव होते हैं, इसे कदम जमा जमा कर चलना पड़ता है।
फिक्र आखिरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहद शख्सियत हैं जिनकी वजह से क़यामत जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफ़त शुरू कर देता है। तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान की तलीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तलीम दे। सिर्फ मुस्करा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। हमने सीखा है अजान सहर से ये सूर, लोग ख्वाबिदा ही सही हमने सदा देनी है। गलत काम गलत ही होता है, नीयत अच्छी होने से कोई हराम या मकरूह काम जायज़ नहीं हो जाता। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे कड़े जिसमें हम गिरे हुए हैं ये अल्लाह ताला ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफत ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। किसी की मदद करने के लिए सबसे बड़ा रिश्ता हर इंसान के पास होता है और वो इंसानियत का रिश्ता जिसे लोग नहीं समझते। औरत के जिस्म से निकलकर औरत के हाथों में पलकर औरत की जवानी खाकर जब ताकतवर बन जाते हैं तब औरत ही हमें कमज़ोर कम अकल और जाहिल नज़र आती है। ऐसे शख्स के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है जो समझे कि वो हर काम ही ठीक करता है। तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न करने पाए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।